द फर्न पैट्रिस विटाटा हैज़ बिन शोन इन द नेचर, ये एक जर्नल का नेम है, टू इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट आर्सेनिक फ्रॉम द सोलिड। द स्टडी शोड दैट इन नॉर्मल सोइल विच कंटेन 6 ppm ऑफ आर्सेनिक इन द 2 weeks द फर्न रिड्यूस द सोइल कंसनट्रेशन टू 5 ppm वाइल एक्यूमुलेटिंग 750 ppm ऑफ आर्सेनिक। इन दिस एक्सपेरिमेंट वट वॉज द रेशियो ऑफ द सोइल मैस टू द प्लांट मैस एंड द इनिशियल आर्सेनिक इन द फर्न वॉज 5 ppm। हमें दिया गया है क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक प्लांट जो कि जिसका फंक्शन ये है कि वो आर्सेनिक को सोइल में से ऑब्जर्व कर लेता है और इसकी कंसनट्रेशन क्या कर देता है, आर्सेनिक की सोइल में से कम करके अपने अंदर ज़्यादा कर लेता है। तो हमारे पास सोइल की कंसनट्रेशन दी गई है, आर्सेनिक जो नॉर्मल सोइल में होता है वो होता है 6 ppm, और जब फर्न ने कंसनट्रेशन रिड्यूस कर दी है तो उसके बाद सोइल में कितनी रह गई है, आर्सेनिक 5 ppm रह गई है। और स्टार्ट में जो फर्न के अंदर कंसनट्रेशन थी आर्सेनिक की वो थी 5 ppm और फाइनल में उसकी कंसनट्रेशन हमें दी गई है 755 ppm। तो ये हमारे पास फाइनल और इनिशियल कंसनट्रेशन सोइल की भी दी गई हैं और फर्न की भी दी गई हैं। तो हमारे पास ये कंसनट्रेशन तो दी गई हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि प्लांट का जो मैस है और सॉरी सोइल का जो मैस है और जो प्लांट का मैस है उनकी रेशियो हमसे पूछी गई है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये प्लांट देख लेते हैं कि ये प्लांट कैसा है। तो ये प्लांट इस तरह का होता है कुछ, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करनी है रेशियो सोइल मैस की और प्लांट एक्स की, प्लांट मैस की। तो हम क्या करेंगे, सोइल के मैस को हम एक्स कह लेंगे और प्लांट के मैस को हम क्या कह लेंगे, वाई कह लेते हैं। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, फिर एक्स ओवर वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इनिशियल कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं टोटल आर्सेनिक की और फिर फाइनल कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे ये सोइल के लिए और फिर हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे इसके लिए भला, फर्न के लिए। तो सोइल के लिए हम कर लेते हैं, पहले इनिशियली हमारे पास कंसनट्रेशन आर्सेनिक की सोइल के अंदर 6 ppm थी। तो जिस तरह ये 6 ppm बेसिकली जिस तरह हमारे पास वाटर या किसी भी और सब्सटेंस की कंसनट्रेशन दी होती थी कि ये 100% है या 80% है एक स्ट्रीम में, इसी तरह ये आर्सेनिक की कंसनट्रेशन हमें दी गई है कि ये 6 ppm है। तो अब ये टोटल सोइल में कितना होगा, अगर हम इसको सोइल के मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आर्सेनिक आ जाएगा जो इनिशियली सोइल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम 6 ppm को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कंसनट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इनिशियली विच इज़ प्रेजेंट इन दी सोइल। सो ये हमारे पास आ गया इनिशियली जो आर्सेनिक हमारे पास प्रेजेंट था। तो अब इसी तरह हम फाइनल कंसनट्रेशन हमारे पास दी गई है 5 ppm और 5 ppm को अगर हम सोइल के मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास जो कंसनट्रेशन होगी टोटल कंसनट्रेशन आर्सेनिक की सोइल में जो कि रिड्यूस होगी होगी, तो वो हमारे पास कितनी आएगी, 5 ppm मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हमने हायर माइनस लोअर करना है, तो 6 ppm इंटू एक्स माइनस 5 ppm इंटू एक्स, तो हमारे पास चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ द आर्सेनिक इन द सॉइल आ जाएगा 1 ppm इंटू एक्स। अब यही प्रोसीजर हम प्लांट के लिए रिपीट करेंगे। तो हम ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं, इनिशियली हमारे पास कंसनट्रेशन फर्न के अंदर जो आर्सेनिक की थी वो थी 5 ppm। तो अब हमारे पास प्लांट का मैस है वाई, तो अब अगर हमने टोटल आर्सेनिक जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट था इनिशियली तो वो हमने कैलकुलेट करना हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया टोटल आर्सेनिक इन द प्लांट विच इज़ इनिशियली प्रेजेंट, तो ये हमारे पास आ गया 5 ppm इंटू वाई। अब फाइनली हमारे पास कंसनट्रेशन दी गई है 755 ppm, तो ये हमारे पास आ गई फाइनल कंसनट्रेशन। अब अगर हमने टोटल आर्सेनिक जो कि फाइनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा वो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, हम सिंपली मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लांट का मैस हमने क्या चीज़ सपोज की है भला, वाई सपोज की है। तो ये हमने इंसर्ट की इक्वेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास आ गया टोटल आर्सेनिक इन द प्लांट इज इक्वल टू 75 ppm इंटू वाई। अब हमने इसका भी चेंज कैलकुलेट करना है, तो अगर हम चेंज कैलकुलेट करें तो हायर माइनस लोअर, तो 755 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 750 आ जाएगा ppm इंटू वाई।
तो अब हमने ये चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर एक तो प्लांट है और दूसरी सॉइल है, और आर्सेनिक जो है वो सॉइल से रिमूव हो रहा है और किसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लांट के अंदर। मींस जो चीज़ भी प्लांट ऑब्जर्व कर रहा है वो बेसिकली आ कहाँ से रही है, वो सॉइल से आ रही है। तो वाट एवर इज़ बींग रिमूव फ्रॉम द सॉइल इज़ बींग एडिड टू इन टू द प्लांट, सो द चेंज इन द कंसनट्रेशन शुड बी इक्वल। सो अब हम चेंज इन कंसनट्रेशन को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास 1 PPM इज़ इक्वल टू 750 PPM इंटू वाई। तो अब यहाँ से हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमारा मोटो था एक्स ओवर वाई फाइंड करना। तो एक्स ओवर वाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय स्विचिंग द वेरिएबल ऑन वन साइड। सो हम हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर वाई, और वन उधर जाके अगर डिवाइड होगा तो 750 ही रहेगा। तो हमारे पास रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो एक्स रेशियो वाई हमारे पास आ जाएगी 750, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।